नमस्ते, गीतु मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। ये वीडियो बन रहा है अगर आप कैप्रिकॉर्न राशि हैं और आपका रिलेशनशिप जो है वो कैप्रिकॉर्न राशि के साथ है, तो आपका ये रिलेशनशिप कैसे रहेगा और क्या आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं कि आप इस रिलेशनशिप में इमोशनली तो खुश हैं, लेकिन आपको आपकी लाइफ आगे अच्छी नहीं दिख रही है। सो यहाँ पर टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि सिर्फ इमोशंस के सहारे लाइफ नहीं जिया जा सकता है, आपको एक सपोर्ट भी चाहिए, आपको एक मॉरल सपोर्ट, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए जो मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में। तो आपके जो पार्टनर है वो भी कैप्रिकॉर्न है, आप भी कैप्रिकॉर्न हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। एक रिसीवर है, एक गिवर है, तो एक लॉस में जा रहा है और एक ही को फायदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है। सो टैरो आपको एडवाइस करता है कि अभी एटलीस्ट 2.5 ईयर्स आप इस रिलेशनशिप के चक्कर से बाहर आ जाएं, अपने करियर पे ध्यान दें, और आपके करियर में ही आपको कोई ना कोई पार्टनर मिलने वाले हैं आपके ऑफिस में, और आपके सेम फील्ड में आप है उसी में एज अ कस्टमर, एज अ सप्लायर और एज अ कलीग आपको आपके पार्टनर मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा वो इमोशनली भी पॉजिटिव होगा और प्रैक्टिकली भी पॉजिटिव होगा। मीनिंग आपको फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, प्लस आपके जो पार्टनर रहेंगे वो मैच्योर पार्टनर रहेंगे, जिस तरह का मॉरल सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपके पार्टनर आपको देंगे। वेरस अगर आप समझते हैं कि पार्टनर चेंज होगा, तो वो थोड़ा नहीं दिख रहा है कि पार्टनर में कुछ चेंजेस आएंगे, वो इमोशनली रहेंगे और 2-3 महीने चेंज होंगे, फिर वापस वो वैसे ही हो जाएंगे, थोड़े से इमैच्योर, थोड़े से ख्याली पुलाव बनाने वाले, थोड़े से ख्यालों में रहने वाले, जमीन पर नहीं रहने वाले, प्रैक्टिकली डिसीशंस नहीं लेने वाले पार्टनर रहेंगे, और फैमिली फ्रेंड्स भी आप ही के डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर आते हैं। थैंक यू। आप जो कैप्रिकॉर्न राशि है वो ब्लू लेस एगेट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, जिससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है और आप सही दिशा में आपके सही डिसीजन लेते हैं। थैंक यू।